ये विजुअल्स एक सूरत की रैली से हैं, जहां कुछ महिलाएं सड़कों पर उतरकर पीएम मोदी और बीजेपी के लिए कैंपेनिंग कर रही हैं 2017 के गुजरात इलेक्शंस के पहले। कई लोगों को शायद ये एक आम रैली जैसी लगेगी, पर अगर आप नोटिस करोगे तो ये रैली एक मुस्लिम महिलाओं की रैली है। इन महिलाओं का कहना है कि मोदी उनके भाई हैं और वो अपने भाई के लिए सड़कों पर उतरी हैं। और हमने ऐसे कई एग्जाम्पल्स देखे हैं, 2015 के गुजरात के लोकल इलेक्शंस या फिर 2018 के मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शंस में। अभी कई प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर्स बीजेपी में हैं और कुछ को तो यूनियन मिनिस्टर का दर्जा भी दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि मुस्लिम समुदाय के लोग बीजेपी को पब्लिकली सपोर्ट क्यों देंगे, स्पेशली क्योंकि उनके अगेंस्ट एक सोशल बैकलैश हो सकता है और कुछ केसेस में तो उनकी जान को खतरा भी हो सकता है, जैसे अभी हमने रिसेंटली देखा। और इस वीडियो में हम ये जांचने की कोशिश करेंगे कि मुस्लिम कम्युनिटी में लोग जब बीजेपी को सपोर्ट करते हैं तो उनके मोटिवेशंस क्या होते हैं। कई पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने डिस्कस किया है कि बीजेपी की इलेक्टोरल अपील के पीछे एक कारण है हिंदू मेजॉरिटेरियनिज्म, और इसके बावजूद मुस्लिम समुदाय से बीजेपी को इलेक्टोरल सपोर्ट बहुत हद तक मिलता रहा है। 2019 के लोकसभा इलेक्शंस के दौरान बीजेपी को 8% वोट शेयर मिला था मुस्लिम कम्युनिटी में, और इस इलेक्टोरल सपोर्ट के पीछे तीन कारण हो सकते हैं। पहला कि बीजेपी इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेकर आ सकती है हमारे देश में, दूसरा कि बीजेपी की गवर्नेंस रायट फ्री हो सकती है, और तीसरा कि बीजेपी सोशल रिफॉर्म्स क्रिएट कर सकती है, जैसे रिसेंटली हमने देखा ट्रिपल तलाक के केस में। अब हम डिबेट कर सकते हैं कि किस हद तक ये तीनों कारण सच हैं, पर वो इस वीडियो के स्कोप के बाहर है। इस वीडियो में हम एक्चुअली एक लेयर नीचे जाएंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली क्या मोटिवेशंस हो सकते हैं, और इसको समझने के लिए हम राहिल धत्तीवाला की रिसर्च पर मोस्टली रिलाय करेंगे, जिन्होंने इस टॉपिक को गुजरात के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा है। और इस मोटिवेशन को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक उनके लिए जो बीजेपी के मेंबर्स हैं या फिर लीडर्स हैं, और दूसरा उनके लिए जिनकी कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं है पर वो पब्लिकली सपोर्ट देते हैं बीजेपी को। जैसा कई रिसर्चर्स ने हमें दिखाया है कि इंडिया में पब्लिक ऑफिशियल्स के पास बहुत ज़्यादा पावर होती है, वो ये डिसाइड कर सकते हैं कि किन गाँव में रोड्स बनेगी, कौन से पुलिस केसेस प्रोसेस करे जा सकते हैं, किन म्यूनिसिपैलिटीज़ के गड्ढे फिक्स करे जाएंगे और किन को गवर्नमेंट जॉब दी जाएंगी। इसीलिए अपनी कम्युनिटी में काम करवाने के लिए या तो आपको एक पब्लिक ऑफिशियल होना होगा या फिर किसी और पब्लिक ऑफिशियल के बहुत क्लोज होना होगा। जैसे सुरैया का एग्जांपल लीजिए, जिन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया था 2012 में, और जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने बीजेपी को क्यों ज्वाइन किया, उन्होंने कहा कि उनके पास कोई चॉइस ही नहीं है, वो गंदे पानी और डेंगू से नहीं मरना चाहते। अब आप में से शायद कुछ लोग ये सोचेंगे कि वो ऐसा कर सकती थी बस बीजेपी को वोट करके, उनको एक बीजेपी की मेंबर बनने की ज़रूरत नहीं थी, जो हमें एक दूसरे कारण पर लेकर आता है, पैसा और सोशल स्टेटस। वो कहती हैं कि वो लोगों की मदद करने से पैसा कमाना चाहती हैं। तो जो जुड़े थे उनका एक बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल या मटेरियल रीजन था कि वो इंटरमीडियरीज बनना चाहते थे बिटवीन द गवर्नमेंट और सिटीजन। ये हमारे पेट्रोनेट सिस्टम में ये बहुत मिलता है। और सुरैया की पोजीशन को हम एक्चुअली एक ब्रोकर का नाम दे सकते हैं, वो एक मिडिलमैन है गवर्नमेंट और अपनी कम्युनिटी के बीच, और वो अपनी कम्युनिटी को बेसिक सिविक सर्विसेज, जैसे साफ पानी या फिर फ्री सैनिटेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करती है गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेट करने के बाद। तो जब मैंने उनसे बात की कि आप मेंबर क्यों बने, बोले थोड़ा पैसा कमा लेंगे। पर इससे उनको पैसा ही नहीं बल्कि सोशल स्टेटस मिलता है अपनी कम्युनिटी में, एक पावरफुल पोजिशन मिलती है जो कई लोगों के लिए पैसे से ज़्यादा वैल्यूबल हो सकती है। और पॉलिटिक्स की सीढ़ी चढ़ने के लिए कई लोगों को, इंक्लूडिंग मुस्लिम समुदाय के लोगों को, ये रियलाइज हुआ है कि बीजेपी की पॉलिटिकल डोमिनेशन की वजह से बस बीजेपी एक अकेली ऑप्शन है उनके लिए। और ऐसा हमें असलम ने समझाया जो CPIM से बीजेपी की तरफ चले गए। उन्होंने कहा कि बीजेपी पावर में है गुजरात में, और शायद अगले 15 साल तक वो पावर में ही रहेंगी। वो कहते हैं कि एक डेड पार्टी जैसे कांग्रेस या फिर CPIM के साथ काम करने का क्या फायदा। कांग्रेस की तरफ ना खुशी की वजह से ही जो एक दूसरा ग्रुप है जिनकी कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं है बीजेपी में, वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। जैसे एक मुस्लिम वोटर ने कहा कि कांग्रेस को तो कोई भी नहीं सुनता, तो उनको वोट देने का क्या फायदा। पर अगर आप इन सेंटिमेंट्स को गहराई से समझने की कोशिश करोगे तो मेन कारण एक्चुअली हो सकता है अपनी सोसाइटी में फिट इन होने के लिए। जैसे मकसूद कहते हैं कि हम एक मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं है, मुस्लिम वोटर्स केवल करीब 5,000 ही हैं, हिंदूज में जब कोई कांग्रेस के लिए वोट नहीं करेगा तो हम क्यों करें। बट द सेकंड रीजन वाज कि हमको एंटी नेशनल माना जाता है। और इसके बारे में मोहम्मद उमर ने भी बात करी थी, जो एक ठेले वाले थे अहमदाबाद में,
जो कहते हैं कि अपनी एंटी नेशनल इमेज को हटाने के लिए हमें बीजेपी को साथ देना पड़ता है। और ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू हम कुछ पब्लिक लीडर्स की स्पीचेस के कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं। Now he has said that patriotic Muslims will vote for the Saffron Party, while those who are pro-Pakistan will hesitate. BJP को publicly support देकर उनको एक social approval मिल जाता है majority से, यानी कि हिंदू से, और ये हम electoral data को analyze करके भी जान सकते हैं। Rafael Suzwind और Rahil Dattiwala ने assembly segment level data को analyze करके ये पाया कि 181 segments में से 21 में BJP का vote share actually increase करता हर Muslim voter के साथ। और इन असेंबली सेगमेंट्स के तीन कैरेक्टरिस्टिक्स थे, या तो वो पुअर अर्बन लोकेलिटीज़ में मौजूद थे, या वो बॉर्डर के पास थे, या उन सेगमेंट्स में मुस्लिम पॉपुलेशन का रेशो स्टेट एवरेज से कम था। और ये फाइंडिंग बहुत यूनिक नहीं है, कई इंटरनेशनल स्टडीज़ ने ये दिखाया कि जहाँ भी एक कम्युनिटी क्लियर माइनॉरिटी में होती है तो उनकी पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस मेजॉरिटी के साथ मिलने लगती हैं। अब ये हो सकता है क्योंकि कम्युनिटीज़ में ज़्यादा इंटरेक्शन होने लगता है, या फिर माइनॉरिटी अपने आप को डिसअप्रूवल या फिर वायलेंस से बचाना चाहती है, या फिर वो नॉर्मल सिविक रिसोर्सेज जैसे पानी, बिजली या फिर मकान एक्सेस करना चाहते हैं। और इनको एक्सेस करने के लिए क्लियर तरीका है कि आप मेजॉरिटी पार्टी को वोट दें। लेकिन अगर मेरी जीत मुसलमानों के बिना होगी तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इतना मैं बता देती हूँ कि फिर दिल खट्टा हो जाता है। फिर जब मुसलमान आता है काम के लिए, फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं रहने ही दो, क्या फर्क पड़ता है। आखिर नौकरी एक सौदेबाजी भी तो होती है, बात सही है कि नहीं? ये नहीं कि हम लोग सब महात्मा गांधी के छठे औलाद हैं। और ये आउटरीच बस वन वे नहीं है, बीजेपी ने भी एक्टिवली मुस्लिम कम्युनिटी का सपोर्ट मांगने की कोशिश करी है। जैसे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच एक बीजेपी का अफिलिएट है जिसने कई बीजेपी के कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजंस को सपोर्ट किया है, जैसे राम मंदिर या फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट। पीएम मोदी पर्सनली भी कुछ एफर्ट्स में इन्वॉल्व रहे हैं। तो फिर नेचुरल सवाल यह है कि जहां बीजेपी ने एक सक्सेसफुल इलेक्टोरल स्ट्रेटजी डिवाइस कर ली है, जहां वो बस कंसोलिडेशन ऑफ हिंदू वोट बैंक पर रिलाय करते हैं, तो उनको मुस्लिम कम्युनिटी में आउटरीच करने की क्या जरूरत है? ये तीन कारणों की वजह से एक्सप्लेन किया जा सकता है। पहला कि जो प्री 2014 की आउटरीच थी वो पीएम मोदी की नेशनल एम्बिशंस को रिफ्लेक्ट कर सकता है। जैसे 2009 और 2013 के दौरान बीजेपी ने करीब 300 मुस्लिम कैंडिडेट्स फील्ड करे थे लोकल इलेक्शंस में, और पोस्ट 2014 ये एक इमेज प्रोजेक्ट कर सकता है जो इंडिया के फॉरेन रिलेशंस में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर ये आउटरीच मॉडरेट हिंदू वोट बैंक को भी अपील कर सकती है, जो मोस्टली डेवलपमेंट पर वोट देते हैं, पर मुस्लिम कम्युनिटी का सपोर्ट या फिर सेकुलरिज्म उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट कारण भी बन जाता है। और फाइनली एक तरीका हो सकता है कुछ मुस्लिम सेगमेंट्स में इलेक्टोरल सपोर्ट बढ़ाने के लिए, जैसे दाऊदी बोराज जो एक शिया मुस्लिम सेक्ट है और ब्रॉडली बिजनेस माइंडेड है, इसलिए जो भी गवर्नमेंट होती है पावर में वो यूजुअली उनको ही सपोर्ट देते हैं। और अब रिसेंटली एक दूसरा सोशल ग्रुप है, वो है मुस्लिम महिलाएं, और कुछ लोगों का मानना था कि बीजेपी का ट्रिपल तलाक का डिसीजन उस सोशल ग्रुप को ही टारगेट कर रहा था। जस्टिस राजेंद्र सच्चर जो फॉर्मर चीफ जस्टिस थे दिल्ली हाईकोर्ट के, उन्होंने 2006 में एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी जिसको कॉमनली कहा जाता है सच्चर कमिटी रिपोर्ट, जिसने मुस्लिम्स की पुअर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन दर्शाई थी इंडिया में। उनकी लिटरेसी रेट और पॉवर्टी रेट सेकंड वर्स्ट थी इंडिया के सोशल ग्रुप्स में, और गवर्नमेंट पोस्ट में पार्टिसिपेशन उनकी 14% नेशनल पॉपुलेशन से कम। और इस पुअर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के साथ साथ इंडिया में पॉलिटिकल लैंडस्केप भी बदल गया है, जहाँ कई मेजर पॉलिटिकल पार्टीज ओपनली सपोर्ट नहीं देना चाहती मुस्लिम कम्युनिटी को, क्योंकि उनको ये डर है कि शायद वो हिंदू कम्युनिटी को एलिनेट कर देंगी। इसके बारे में हमने एक पिछले वीडियो में भी बात करी थी, जहाँ हमने ये दिखाया था कि बीजेपी से कम्पीट करने के लिए कई पॉलिटिकल पार्टीज ऑटोमेटिकली राइटवर्ड शिफ्ट हो गई है। 2014 में पीएम मोदी इलेक्शन जीते थे सबका साथ सबका विकास के स्लोगन से, और 2009 में सबका विश्वास स्लोगन में ऐड कर दिया था। पीएम मोदी के सेकेंड टर्म में 4 साल बाकी है, बस हम ये होप कर सकते हैं कि वो अपने स्लोगन पर खड़े उतरेंगे, ताकि वो मुस्लिम जो पब्लिकली सपोर्ट देते हैं बीजेपी को, उनकी इंटेंशंस के पीछे कोई अंडरलाइंग रीजंस ना हो।